आर्टिफिशियल चीनी से ही गुजारा करना पड़ता है, अब वो वाली बात आती नहीं है फ्रूट्स में। मिठास जो है ना नकली फ्रूट्स हो गए, ऐसा लगता है नकली निकली। और ये मसाला, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेली को, ना प्यार भरा सलाम, और मेरी न आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी न आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पुरानी है उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और अब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मार्केट की वीडियो, जो कि मैं कब से कह रही थी तो फाइनली आज मैंने उसको एडिट कर लिया है। तो चलें चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। जो अच्छे अलकरम के जो फैक्ट्री से डायरेक्ट माल आता है वो है हैदराबाद का बाजार। आज मैं आपको घुमाती हूँ, यहाँ पर काफी अच्छे आपको कपड़ा मिल जाएगा, सस्ता बाजार हैदराबाद का। ये कितने की स्लीपर है? 250 रुपए की इसके प्राइस है। प्यारे लग रहे हैं। नो, ये सॉफ्ट है, ये 300 में मिल रही है। ये देखें 300 की है। ये आपको जो नजर आ रही है जितनी भी 300 रुपए की सेल है, और सारी आपको कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ से इस तरह करके भी। ये देखें अंकल जो दिखा रहे हैं ये 300 रुपए की है, और ये भी ये वाला देखें, ये देखें, ये पहनने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि सिर्फ पानी में नहीं पहनेंगे, पैसे सब यहाँ पहनेंगे। ये दिखाइएगा अंकल, ये 300 300 में है ना, 300 की है। पर आपको एक से एक बढ़ के ज्वेलरी मिल जाएगी, सस्ती से सस्ती और अच्छी से अच्छी। और रेशम गली में जो प्राइस आपको मिलते हैं 500, वो यहाँ पर आपको आधे प्राइस में मिल जाएंगी चीजें। केचर क्लिप्स हर चीज बहुत अच्छी है, पर्स बैग सब कुछ, हर चीज जो है क्वालिटी वाइज भी अच्छी है। यहाँ पर आपको प्लास्टिक के आइटम्स भी मिल जाएंगे। मेरे ख्याल में ये 100 रुपए के माल है ये सारा। यानी देखिए कितने खूबसूरत लग रही है, अगर वुडन साइड आपको ये डाइनिंग टेबल हो तो उसके ऊपर रखने में बहुत प्यारी है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे रेडीमेड सूट्स, और लुक वाइज सही है, लेकिन मेरे ख्याल में कपड़ा नहीं अच्छा होता है। अच्छा, ये मेहरून वाला कितने का है? हाँ, 1600 निकाल के दिखाइएगा। लास्ट कितने हो जाएंगे? अच्छा, ये 1300 रुपए कह रहे हैं, और ये स्टिच हुआ हुआ है। आजकल आप लोगों को मालूम है कि कपड़ा लो, कढ़ाई करवाओ और उसके बाद सिलाई, तो 1300 रुपए में ये आपको बना बनाया सूट मिल रहा है, और अच्छा है, और कपड़ा भी मेरे ख्याल में अच्छा ही है, ज्यादा बुरा नहीं है। और ये देखें घर में स्लीपर पहनने के लिए भी बहुत अच्छी है, 150 की है जी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ये वाले देखें ब्लैक फिश। अच्छा, जो मैंने लिए थे ना रेशम गली से 8 नंबर की मार्केट से, वो बहुत सख्त थे और चुभ रहे थे। इसके प्राइस क्या है? 350 रुपए में मिल रहे हैं, और मैंने ये 800 के खुसे लिए, और वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे, और ये फिर नर्म है और अच्छे लग रहे हैं। तो ये देख लें, आपके पास जो है 350 में सारा इनके पास डिजाइनिंग है। एक का ये डिजाइन मैंने आपको दिखाया था 8 नंबर की मार्केट में, मुझे 800 का मिल रहा था, और यहाँ पर ये 350 का, आप खुद फर्क देख सकते हैं। ये देखें, ये भी कितना प्यारा लग रहा है, कितना हसीन लग रहा है, और ये भी 350 में है, सिर्फ 350 में ही 350 में मिल रहा है। अगर आप ये देखें, बच्चियों की स्टिच हुई हुई कुर्तियां हैं, और ये वाली कुर्ती कितने की है? कम कितने हो जाएंगे? अच्छा, ये 650 का कह रहे हैं, और स्लिट सिलाई स्टिच हुई हुई एम्ब्रॉयडरी हुई हुई कुर्ती है, कपड़ा भी सही। बहुत रश है यहाँ पर मार्केट में, आप लोगों को नजर। स्कार्फ, ये इनर कैप कितने का है? 180। अच्छा, ये इनर कैप जो है यहाँ पर 180 का मिल रहा है, कम कितने हो जाएंगे? 150 रुपए। अच्छा, 150 का मिल रहे हैं। अबाया डिजाइन, एक वो भी दिखाना जो फ्रंट पे तीन लगे। तो आपको मैं फर्क बताती हूँ कि जो मैंने 8 नंबर के मार्केट में विजिट किया था, वहाँ पर जो प्राइस थे यहाँ पर और वहाँ पर कितना फर्क है, आप लोग आज खुद देख लेंगे। अच्छा, ये 2300 का बता रहे हैं, और कपड़ा अच्छा है, कपड़ा बेहतर, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है। इसके क्या प्राइस होंगे? ये भी 2500 रुपए का है, और ये देखें ये कितना हसीन लग रहा है। अगर कोई स्टाइलिश अबाया लेना चाहता है तो ये बेहतरीन अबाया है, और ये 2500 का ये बता रहे हैं। ये पिंटक जली है, बगैर पिंटक का। ठीक 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 जी जी, ये बहुत बारीक कामों के साथ है। इसकी क्या प्राइस है? 1800। ये 1800 ये बता रहे हैं, और मैंने कर लग रहा है हाँ, इनका अच्छा कपड़ा है, इनकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, और डिजाइन भी बहुत हसीन है जी। ये देखिए कोट स्टाइल में डिजाइन है, और पहले कोट स्टाइल में जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो बहुत चलते थे, लेकिन आजकल दोबारा से ये डिजाइन
वापस आ गया और इसमें ये प्लेटें हैं और ये डिजाइन भी बहुत प्यारा है और इसमें सेल्फ प्रिंट में है तो और भी ज्यादा हसीन लग रहा है। इसके क्या प्राइस हो जाएंगे? ये 700 का ये फाइनल बता रहे हैं, लेकिन 1700 सॉरी, इतनी तो लोग सिलाइयां ले रहे हैं तो कपड़े के हिसाब से बेहतरीन है। ये कोट स्टाइल है, ये भी बहुत प्यारा, ये बहुत प्यारा, ये देखें ब्लैक, ये कितने का? ये देखें हर कलर के, इनके पास मैक्सी है, इस तरह मैक्सी अब आया है, बहुत प्यारा है। ये कितने का दे रहे हो? ज़ैनब अबाया के नाम से आपको जो है कायदाबाद में मिल जाएंगी ये शॉप। ब्लैक एम्ब्रॉयडरी भी है, देखें ये देखें मैक्सी स्टाइल है और ब्लैक पे ब्लैक एम्ब्रॉयडरी है, बहुत प्यारा लग रहा है, घेर भी बहुत अच्छा है। ये 3200 रुपए, ये 3200 का है अबाया। और ये नया है ना, अभी सारे लेटर से जी, सारे कढ़ाई भी मेरे पास, सारे डिजाइन जो है माशाल्लाह से एक से बढ़कर एक इनकी शॉप पे आपको मिल जाएंगे। और मैं कपड़े की क्वालिटी जो है उसकी मैं गारंटी, ये देखें ये दुल्हन के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत है अबाया, बहुत प्यारे है। ये नीलन के कट पीस है ना, ये देखें नीलन के कितने प्यारे प्यारे डिजाइन के कट पीस हैं। और ये बच्चों की जो कुर्तियां अगर आप बनवाएं तो इतने हसीन लगते हैं ये डिजाइन। यही अगर आप ब्रांडेड में चले जाएंगे तो ब्रांड्स में आपको ये वाली कुर्तियां बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से कपड़ा लेने के बाद स्टिच करवाएं और उसकी डिजाइनिंग कर ले तो बहुत सस्ते में आपका बहुत अच्छा काम हो सकता है। ये देखें शादी के माइयों के अच्छे से अच्छे सूट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ये 1200 में आपको मिल जाएगा, और 1200 में सिला सिलाया मिल रहा है। 1200 तो आजकल सिलाई भी चली जाती है, तो आपको कपड़ा वपड़ा हर चीज कंप्लीट ड्रेस आपको 1200 में मिल रहा है। तो देखें ये 800 का बच्ची का है और ये गरारा है। यहाँ पर सस्ते बच्चों के जो है खिलौने भी आपको मिल जाएंगे 50-50 रुपए में, इतने पर देख लें आप लोग जो है बच्चों के छोटे छोटे से डिजाइन है और स्टिच हुई भी है। कपड़ा क्वालिटी ये अच्छा ही है। ये पेंटिंग का, ये वाला कितने का है? रेड ये साइज बड़ा साइज है, 450 का। अच्छा 450 का ये बता रहे हैं। लास्ट प्राइस क्या हो जाएंगे? 400 लास्ट प्राइस है इनके। यहाँ पर आपको सस्ता मेकअप मिल जाएगा खुला, अगर आपको लेना है लिपस्टिक। सॉरी, वॉइस ओवर करना मेरी मजबूरी है क्योंकि उनकी शॉप पे खड़े होकर मैं ये सारी बातें नहीं कर सकती थी, लेकिन घर पे आने के बाद मुझे फर्ज है कि मैं आपको बताऊं कि जो इस तरह के स्टॉल्स लगे हुए होते हैं और ये जो लोकल मेकअप मिल रहा होता है, प्लीज इसको अवॉइड किया करें, इनको नहीं लिया करें। एक बार ले लें लेकिन अच्छा ही प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि स्किन का मामला होता है और स्किन कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। तो प्लीज ये वाले मेकअप बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा, इसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। जोड़ी है माइयों में पहनने के लिए और कम कितने हो जाएंगे? हार सेट भी है यहाँ पर माइयों के हिसाब से, ये देखें ब्राइडल दुल्हन के भी हैं, माइयों के भी हैं सारी। ये कितने कितने के, एक ही प्राइस है या मुख्तलिफ है? अच्छा डिफरेंट रेट्स के साथ हैं सारी चीजें। अच्छा यहाँ पर ये कढ़ाई कितने की बेटा? ये 150 रुपए की कढ़ाई है। सारा माल ये 150 का है? ये 150 का, अच्छा ये 150 का, ये भी 150 का है। और यहाँ पर प्लास्टिक का आइटम भी आपको मिल जाएंगे काफी। सूट है, हसीन लग रहा है, अच्छा लग रहा है बच्चियों का। 1500 का थ्री पीस बता रहे भाई। यहाँ पर वॉइस ओवर करना भी मेरी मजबूरी है क्योंकि सच में आपको घर पे आने के बाद ही बता सकती थी, वहाँ पर तो मैंने कह दिया बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारे। वैसे देखने में तो वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे थे ड्रेसेस, और मेरा दिल भी चाह रहा था कि मैं इसको ले लूँ, लेकिन नौशीन आपी ने मुझे हल्के से कान में आके कहा कि महरीन ये सिर्फ और सिर्फ एक धुलाई के होते हैं और उसके बाद ये पहनने में नहीं आते, ये कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, तो वही चक्कर है यहाँ पर। तो ये वाले जो कपड़े हैं ना ये बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा क्योंकि ये जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आप या तो जो बहुत ही केयर करने वाले लोग होते हैं ना, जो हाथ से वॉश करते हैं और बहुत एहतियात के साथ पहनते हैं और इनको संभाल के रखते हैं, मतलब 3-4 मरतबा जब तक पहन ना लें उसको वॉश नहीं करते, तो वो तो इस किस्म के ड्रेसेस खरीद सकते हैं, लेकिन भाई मेरी जैसी बंदी बिल्कुल भी ना खरीदे, क्योंकि मैं जो है ना कपड़ों का जो हाल कर देती हूँ ना, बस मेरी अम्मी तो मुझे डांट लगा लगा के जो है ना समझाती है कि ख्याल किया करो, बहुत निकम्मी हो तुम, बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती और सारे कपड़े जो है ना तुम्हारे ऐसे हो जाते हैं, एक धुलाई के बाद ही पता चलता है कि कोई
पुराना सूट है यार, पता नहीं क्या बात है कि मुझसे जो है ना कपड़े नहीं संभाले जाते, चाहे मेरे हों या बच्चों के हों, मैं इतनी ज़्यादा केयर नहीं कर पाती। लेकिन माशाल्लाह से मेरी अम्मी की अगर आप ड्रेसेस देखें तो 10-10 साल पुराने सूट भी जो है ना वो आपको ऐसा लगेंगे कि जैसे मेरी अम्मी कल ही लेकर आई हैं। माशाल्लाह मेरी अम्मी बहुत संभाल के रखती हैं। तो बस ये थी आज की छोटी सी वीडियो जो कि मैंने काफ़ी टाइम से रखी हुई थी और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर करूँ या इसी तरह अपलोड कर दूँ या किस तरह एडिट करूँ, क्योंकि कभी भी मैंने मार्केट की वीडियो शूट नहीं की थी और दूसरी बात ये कि मैं मार्केट ही नहीं जाती, तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जो चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।